फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कुकिंग विद रूपर। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे, और वो भी दिल्ली स्टाइल में जैसे कि वहाँ पे बनाए जाते हैं। लेकिन रेसिपी मैं शेयर करूँगी सिर्फ छोलों की, भटूरों की मैं पहले से शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 चम्मच आंवला पाउडर, और इसके साथ ले रही हूँ मैं 1 चम्मच चाय पत्ती का। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है छोलों में। तो इसकी हम पोटली बना लेते हैं इस तरह से। आप इसे अच्छी तरह से टाइटली बांध लें ताकि ये खुले ना। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं ओवरनाइट सोक छोले, ये 2 कटोरी थे और मैंने ओवरनाइट सोक कर दिए थे। और इसमें डाला मैंने 1 चम्मच नमक का, और 1/4 चम्मच डाला मैंने मीठा सोडा। ये डालना बहुत ज़रूरी है, तभी जो छोले वो अच्छे से गलेंगे। और इसमें अब डालूँगी मैं 2 तेज़पत्ते ताकि तेज़पत्ते का फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये जो पोटली हमने बनाई थी वो भी हम इसमें रख देंगे। और अब आप इसमें इतना पानी डालें कि जो छोले हैं वो अच्छे से इसमें डिप हो जाएं, क्योंकि हमने इसमें 7 से 8 विसल्स लगवानी है। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर दें, और अब इसको हम बॉईल कर लेंगे 7 सीटी आने तक। तो जब तक चने बॉईल हो रहे हैं हम यहाँ पर इसका मसाला बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 इलायची बड़ी वाली, कुछ लौंग लिए मैंने 4 से 5, छोटी इलायची 4, 2 छोटे टुकड़े ले लिए मैंने दालचीनी के, और थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैं जावित्री और स्टार एनीस का 1 टुकड़ा और जायफल मैंने यहाँ पर आधा लिया। और इसमें अब डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच मेथी दाना, और डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, ये मसाला बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। जब भी छोले बनाएं तो इसी तरह से आप मसाला तैयार करें। और अब इस मसाले को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इस मसाले को हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से अच्छा सा फ्लेवर ना आ जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे रोस्ट कर लें। और जब ये मसाले रोस्ट हो जाएंगे साबुत वाले, तो तब इसमें हम पाउडर वाले मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें आप। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च हो तो आपने साबुत मसालों के साथ ही उसे डालना है। और यहाँ पर डाला मैंने आमचूर पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पर अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप छोलों में इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाला जो है वो रोस्ट हो गया है और छोले भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से गल गए हैं और कलर कितना अच्छा आया है इसका। तो अब चलिए फिर हम छोले बना लेते हैं। आंवला और जो चाय पत्ती को हम मिक्स करके डालते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो अब चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें डाल देते हैं हम बॉईल किए हुए छोले। फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है बहुत ही इजी है, बहुत आराम से जल्दी से बन जाती है। कोई लहसुन प्याज भूनने का झंझट नहीं है, बस छोले बॉईल करो, मसाला बनाओ और डाल दो। और मैंने अब इसमें ऊपर से मसाला डाल दिया। धीरे धीरे मसाला डाल दें और नमक डाल दें। इस बात का ध्यान रखें कि हमने नमक जो है वो पहले भी डाला था छोले बॉईल करते हुए। और अच्छे से मिक्स कर दें। और अब हमने इन्हें कुक करना है 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो छोले हैं और मसाला है वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएं और इनका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाए बहुत अच्छी तरह से। और मैं 10 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे हम, छोले जिसमें बॉईल किए थे ना वही पानी हमने यूज़ करना है, उस पानी को अपने फेंकना नहीं है। और अब 10 मिनट के लिए इसको रख दूंगी मैं मीडियम फ्लेम पर। और लीजिए, छोले हो गए तैयार, और ऊपर से मैंने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च, और मैंने निकाल लिया इन्हें एक सर्विंग डिश में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।